भागलपुर के कचहरी चौक पर एक बच्ची रोती बिलखती डरी सहमी से मिली जो भूखी थी। उसे पत्रकारों के द्वारा पहले नाश्ता कराया गया, फिर पूछने पर 10 वर्षीय बच्ची ने अपना नाम निशु बताया और कहा कि वह सबौर थाना क्षेत्र आमाडार गांव के सबीर खान की बेटी है, जिसे उसके परिजनों द्वारा तिलका मांझ थाना क्षेत्र के खान पट्टी में परवीन खान के यहाँ काम करने के लिए रखवाया गया था और इसके एवज में उसके परिजनों को 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। आज सुबह ठंड ज़्यादा रहने के कारण वह काम करने में असमर्थता दिखलाई तो उसके मालिक द्वारा घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण भटक भटक कर नाबालिग बच्ची भागलपुर के कचहरी चौक पर पहुंच गई। पत्रकारों की पहल पर बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। इस दौरान चाइल्ड लाइन के त्रिभुवन कुमार ने बताया कि लोकल थाने को सूचना देकर बच्ची का बालिका गृह भेजे जाने की बात कही, साथ ही नाबालिग बच्ची से काम कराने को लेकर उसके माता पिता और खान पट्टी के परवीन खान के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने की बात कही। वहीं बच्ची अपने माँ और पिताजी के द्वारा मारपीट किए जाने के कारण घर जाने से इनकार दिखाती है। पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडिया का बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। तिलका मांझी खान पट्टी हम जो रहते हैं, मेरा बाप वहाँ से रख के गया था। मेरा बाप फोन करके बोल दिया कि जहाँ भाग रही है भागने दीजिए, हम भाग रहे नहीं थे। वो भगा के हाथ पकड़ के मुझको बाहर भगा दी, तुम जहाँ जा सकती हो, हमको नहीं मतलब उससे। हमको कितना दिन से काम करी थी? एक महीना से काम कर रहे हैं उससे। काम कर रहे थे बाबू? तिलका मांझी से। किसके घर में? परवीन खाना। परवीन खाना उसके घर में। और उसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है, हम उसके घर नहीं जानते हैं, हम एक ही महीना हुआ। पिता का नाम पूछिए, इसके पिता का नाम। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सबीर। कहाँ गए? अमडाड़। अमडाड़ गोराडी। ये कौन है? खाना कौन सा हुआ? हमको सब नहीं मतलब है सर। तो पापा के नहीं जाओगे? नहीं, पापा के नहीं जाएंगे। कहे वो लोग हमको बहुत मारते हैं। कहे नहीं पता हमको, सर खूब मारता है, सबको घर में रखता है, सबको हमको बाहर ठेलती है सबको। माँ है तुमको? ना माँ है मेरी। कब से वहाँ रह रही थी? एक महीना से रह रहे थे हम वहाँ। और वहाँ क्या तकलीफ हुआ जहाँ भी रह रही थी? माँ हमको कोई तकलीफ नहीं हो रहा था, माँ से हमको हाथ पकड़ के ठेलती भगाती सब। मेरे जहाँ भी काम आप कर रहे थे वहाँ क्या तकलीफ हुई? माँ कोई तकलीफ नहीं हुआ था हमको, कहाँ हाथ पकड़ के भगा दी हमको कि जाओ मेरे के नहीं रहोगे तुम। वहाँ से भी भगा दी? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? निशा। पढ़ने जाती हो? हाँ पढ़ने जाते हैं हम सर। के बारे में हमारे टोल फ्री नंबर 10-1098 पे कॉल करके शिवपुरी कॉलोनी के अमित जी के द्वारा सूचना दिया गया, एक बच्ची समरणालय गेट पे खड़ी है जो भटकी हुई मिली है। बच्ची से मिलने के बाद सबसे पहले उसे पूछा गया नाम पता, पूछने के बाद पता चला ये बच्ची तिलका मांझी भट्टा रोड में परवीन खान के यहाँ काम करती थी, चाइल्ड लेबर के रूप में वो काम करवाती थी। उन्होंने एक महीने करीबन काम करवाया, उनके बाद बच्ची को घर से निकाल दिया। बच्ची से बात किए, बच्ची ने बताई हम घर नहीं जाएंगे, हाँ हम अपने मम्मी मतलब माँ बाप के पास रहना पसंद नहीं करते, मम्मी पापा उनको बहुत मारता है पीटता है, ऐसी जानकारी बच्ची ने दी। अब बच्ची को हम लोग जो यहाँ के लोकल पीएस हैं उनको थाने में सूचना देते हुए समय कराते हुए बच्ची को बालिका गृह शेल्टर होम में लेकर जा रहे हैं। अब जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट का भी ऊपर मामला आप दर्ज कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैटर है बच्ची की जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग रिपोर्ट थाने में जो अभी हम रिपोर्ट कराएंगे वो सारा, ये जो बच्ची काउंसलिंग में बताएगी ये सारी बात को लेटर में रखते हुए पुलिस को सूचना देते हुए इनमें जो भी दोषी आ रहे हैं सबके अगेंस्ट में आवेदन दिया जाए। माता पिता के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो पहले बच्ची है, बच्ची को तो काम उसके माता पिता को कराना नहीं चाहिए, तो माता पिता के ऊपर भी। नाम बता? मेरा नाम त्रिभुवन कुमार है और मैं चाइल्ड लाइन में काम करता हूँ। पोस्ट हमारा 3 मेंबर का है। हम चाहते
ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।